औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में आज हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। इस दोस्त से पूछते हैं कि इन्होंने एक शादी हाल अपना किराए पे दिया हुआ था, मगर कोई भी कानूनी इदारा उनके लिए कार्रवाई नहीं, इनके लिए सारी कार्रवाइयाँ हैं। इनकी ज़बानी पूछते हैं कि क्या मामलाते हैं, आखिर कानून हरकत में नहीं आ रहा, आपके लिए हरकत में आ रहा है क्यों? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, मेरा एक शादी हाल है, माया शादी हाल के नाम से, मैं उसका ओनर हूँ। जी, मैंने एक शादी हाल ये किराए के ऊपर कुछ माह पहले दिया था, जिस पे फिर मैंने खाली कराने के लिए कोर्ट से जजमेंट मेरे पास मौजूद थे। जी, ठीक है, ये कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, मैं कोर्ट से ये जजमेंट जीत चुका हूँ। अच्छा। उसके बाद ये तहरीरी फैसला होकर मैंने इसकी जो एडवांस की रकम थी वो मौजूद थी, वो मैं इसको दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी मैंने इससे कब्जा ले लिया। मैंने इस मायदे के दौरान मुझ पर मेरे साथ मुझे अगवा किया गया, मेरे को धमकियां दी गई, इसके खिलाफ जो है मैंने अगवा की दीगर FIR कटवाई हैं, कोरंगी थाने में और इंडस्ट्री एरिया थाने के अंदर। जी, ये सारी FIR जो हैं मैंने तीन चार FIR इसके खिलाफ कटवाई हैं और ये सारी FIR जो हैं मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, सब मैं आपको दिखाता हूँ, कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है और मैं शादी हाल का मालिक हूँ, मेरे नाम पे शादी हाल है, माया शादी हाल। आज जब मैं अपने शादी हाल के ऊपर बैठा हुआ था अपने घाटों के साथ, अपने सारी सिक्योरिटी के साथ, सारे लोगों के साथ, मेरे वेटर थे, सारे लोग मौजूद थे, ये SHO खुशनूत और आमिर और ये सारे लोग लैंड माफिया के लोग अंदर घुस गए, तोड़ फोड़ के अंदर घुसे हैं, पुलिस के साथ, पुलिस की मदद के साथ मेरे बंदों को उठा के ले गए हैं, मेरे बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेरे गनमैनों को ले गए हैं, मेरे सारे लोगों को ले गए हैं। मैं पुलिस से पूछता रह गया कि मैं मालिक हूँ, ये कब्जा माफिया का आप साथ क्यों दे रहे हैं, किराएदार का आप साथ क्यों दे रहे हैं, जिस किराएदार को मैं पैसे दे चुका हूँ, मैं उसके साथ अपना टेरिटरी कोर्ट से जीत चुका हूँ, कोर्ट केस भी मैं जीत चुका हूँ, फिर भी मेरी पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी जा रही। मैंने SSP को कहा, SSP ने भी मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाया। मैंने SHO को बार बार कहा, कुशनूत ने हमारे बंदों को मारा, पीटा, अंदर फायरिंग तक की करी पुलिस ने उसके लोगों के साथ मिलके। मालिक से कब्जा छिनवाने में आज पुलिस ने ऐसा किरदार अदा किया है कि कोई बिल्डर जो हम लोग काम करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे। FIR तक मौजूद है, इन FIR पर कार्रवाई नहीं हुई, इनमें सेक्शन भी लगी हुई है, 506 BBA, मेरे पर जान से मारने का हमला भी किया गया, मैंने ताबून भी किया, SSP को एप्लीकेशन भी दी, मेरे पास एग्रीमेंट, तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ जाके आज पुलिस ने मेरे किराएदार को ये कब्जा दिलवाया। अभी तक वहाँ लगातार मोबाइलें मौजूद हैं, मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूँ कि पुलिस ने किस तरीके से अंदर घुस के मेरे लोगों को उठाया है और मारा है। ये फुटेज मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये पुलिस की मोबाइलें वहाँ सारी मौजूद हैं, गिनती की तादाद में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या माफिया के साथ पुलिस मिल गई है। इतनी गाड़ियाँ लेकर आए हैं मुझे उठाने के लिए, मेरे अभी भी 8 से 10 बंदे और जिनका कुछ अता पता नहीं है, कुछ थाने के अंदर बंदे, कुछ मेरे सिक्योरिटी गार्ड थे जिनके सब कुछ, मेरा कैश वहाँ मौजूद था, पैसे वैसे सब पुलिस अपने साथ ले गई है और अभी भी पुलिस उनको इतना सपोर्ट कर रही है कि किराएदार होने के बाद उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। पुलिस ने आज सुबह से वहाँ तमाशा लगा रखा है, सुबह 9 बजे से लेके अभी 5:30 बज रहे हैं और पुलिस वहाँ मौजूद है और मेरे लोगों को बार बार निकाले जा रही है, उसको मालिक को कब्जा कराने में पूरा किरदार अदा कर रही है। मैं क्या करूँगा बताएं आपको। नाज़रीन, कानूनी इदारों को हम अपील करते हैं कि इनके मामले को ज़ेरे गौर लाया जाए और तमाम मामलातों को हकायक पे